बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कमांड है हमारी सेव कमांड। वैसे तो कॉमनली अगर इसको देखा जाए तो सेव कमांड जो है वो ऑब्वियसली यूज़ हो रही है आपकी कोई सेव करने के लिए, कोई फाइल ऑब्वियसली होगी जिसको आप सेव कर रहे हो। लेकिन इसके अंदर जो अहम बात है वो कि इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो जो उसकी डेप्थ होती है या उससे अगर रिलेवेंट क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारे ऑब्वियसली मार्क्स जो है वो डिडक्ट करते हैं। तो ये वैसे सेव कमांड है तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक इसका जो जनरल फॉर्मेट है या जो इसकी डिटेल है वो हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि ये क्या है और किस तरह काम करती है। सेव कमांड, सेव कमांड इज़ यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन डिस्क फॉर फ्यूचर यूज़। यानी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था लोड, लोड कमांड पढ़ी थी, और लोड कमांड क्या करती है कि जो आपका सेव्ड प्रोग्राम होता है उसको मेमोरी में रैम में लेकर आती है। जो सेव कमांड होती है ये आपकी जो करंट फाइल रैम पर आपने क्रिएट की है, जो आपने प्रोग्राम लिखा है, अगर आप उसको परमानेंट करना चाहते हैं, अगर आप उसको चाहते हैं कि आप फ्यूचर में जो ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप उसको सेव करेंगे तो वो रैम से डिस्क पर चला जाएगा, रैम से वो मूव कर जाएगा आपका किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर जो कि नॉर्मली हमारे पास हार्ड डिस्क है। अब इसकी जो शॉर्ट की भी है सेव कमांड की, तो शॉर्ट की आप इसके लिए F4 जो है वो प्रेस करते हैं तो ये सेव लिखा हुआ जाता है। उसके बाद आपको ऑब्वियसली इसके बाद जो पैरामीटर्स हैं वो देना ज़रूरी है क्योंकि फ़ाइल का नाम होता है, उसकी लोकेशन होती है। तो आपको क्या करना है कि सेव कमांड खाली कुछ नहीं है, इसके बाद आपको कुछ ना कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो मेंशन करना पड़ता है जो कि उसका फ़ाइल का नाम ही होता है। तो जो GW बेसिक है, फाइल कैन बी सेव्ड इन आइदर ऑफ द टू फॉर्मेट्स विच आर ASCII एंड प्रोटेक्टेड बाइनरी फॉर्मेट। इनमें से किसी एक के अंदर सेव किया जा सकता है। एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट के अलावा दो फॉर्मेट हैं जिसके अंदर आप उस फाइल को सेव कर सकते हो, एक ASCII है या एक प्रोटेक्टेड बाइनरी फॉर्मेट है। तो आइए इसके सिंटैक्स को देखते हैं। यहाँ पे देखें सेव कमांड है और ये इसका पैरामीटर है जो कि आपको मैंशन करना होता है। सेव एक कीवर्ड है, ये एज इट इज़ आएगा और उसके बाद फाइल का जो नाम आप लिखना चाह रहे हैं उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फाइल का नाम लिख देंगे। और ऑब्वियसली ये फाइल GW बेसिक है तो इसकी एक्सटेंशन बाई डिफॉल्ट ही .bas यानी बेसिक की होगी। उसके बाद सेव और फाइल नेम, और उसके बाद ये आप देखें कॉमा लगा के आप a लिख देते हैं। अब इसका एक पर्पज़ होता है सेव और फाइल का नाम, और उसके बाद कॉमा लगा के आप p लिख देते हैं तो इसका एक पर्पज़ होता है। तो इसके अंदर स्पेसिफिक डिफरेंस है कि यहाँ पे वो हम देख लेते हैं जी। देखिए इन द अबव सिंटैक्स द नेम इज़ ऑफ द फाइल यू वॉन्ट टू सेव, यानी जो फाइल का नाम है ये वो नाम है जो आप फाइल को देना चाह रहे हैं, जो आप सेव करना चाह रहे हैं। सेंटेक्स नंबर वन, इन द सेंटेक्स वन द फाइल विल बी सेव्ड इन डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ द GW बेसिक जो कि कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट होता है, कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट। ये आप नोट कर लें कि GW बेसिक अगर हम कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है ना दें तो वो कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट के अंदर सेव करती है, और सिंटैक्स टू के अंदर जो है वो अगर आप फाइल सेव करेंगे तो वो ASCII फॉर्मेट के अंदर सेव होगी। यानी अगर आपने ए मेंशन कर दिया साथ तो वो ASCII फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ASCII कैरेक्टर्स होते हैं तो उस फॉर्मेट के अंदर जाके ये सेव होती है। और सिंटैक्स थ्री है तो वो फाइल को सेव करेगा लेकिन ये प्रोटेक्टेड बाइनरी फॉर्मेट के अंदर सेव करेगा, P4 प्रोटेक्टेड बाइनरी फॉर्मेट। बाय डिफॉल्ट कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट है, ए लिखेंगे तो ASCII फॉर्मेट में सेव होगा, पी लिखेंगे तो प्रोटेक्टेड बाइनरी फॉर्मेट में सेव होगा। और जो प्रोटेक्टेड बाइनरी फॉर्मेट है ये आपका एक और नाम है, प्रोटेक्टेड बाइनरी फॉर्मेट का नाम है एनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट। तो एनकोडेड जो बाइनरी फॉर्मेट है वो भी कोड की फॉर्म में उसको सेव करता है और ये प्रोटेक्टेड हो जाता है, सो दैट इसका मकसद ये होता है, पर्पज़ ये होता है कि अब आप फाइल को एडिट नहीं कर सकते। तो आप ये देखें नोट जो नीचे लिखा हुआ जी, इसको आप जो है वो गौर करें कि एनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट जिसको प्रोटेक्टेड बाइनरी फॉर्मेट भी कहा जाता है मेक द फाइल रीड ओनली, ये फाइल को रीड ओनली कर देती है। इट मीन दैट यू कैन ओनली एग्जीक्यूट दैट फाइल बट यू कॉन्ट लिस्ट और एडिट दैट फाइल। ना तो आप उसको कंटेंट को लिस्ट कर सकते हो कि क्या क्या कंटेंट है, और ना आप उसको एडिट कर सकते हो। अगर आपने एक बार उसको सेव कर दिया प्रोटेक्टेड बाइनरी फॉर्मेट के अंदर या जिसको हम एनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट भी कहते हैं, तो फिर आप उसको लेटर ऑन जो है उसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो रीड ओनली बन जाती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो कर दें इसको लाइक, और नहीं अच्छी लगी तो कर दें बिल्कुल इसको डिसलाइक, और या फिर आप लाइक डिसलाइक के अलावा भी छोड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।